यूपी में गुजरात के गधों पर घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने गधों के बहाने मोदी पर निशाना साधा तो मोदी ने अपने जवाब से अखिलेश की बोलती बंद कर दी। यूपी में गधों की इस राजनीति का चुनाव पर क्या असर पड़ा, ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन गुजरात के गधों के अच्छे दिन आ गए हैं। जिन गधों पर यूपी की राजनीति गरमाई हुई है, ये गुजरात की कमाई का अच्छा जरिया बनते जा रहे हैं। साल 2010 से 2015 के बीच गुजरात के इन जंगली गधों की संख्या में 11.31% का इजाफा हुआ है। 2015 की गणना के अनुसार जंगली गधों की संख्या 4,451 थी। साल 2016 में 14,000 टूरिस्ट इन गधों को देखने के लिए पहुंचे, जिनसे राज्य ने 27 लाख की कमाई की। आपको बता दें, गुजरात में गधों की इस प्रजाति को घुड़खुर के नाम से जाना जाता है। ये जानवर उत्तर में कच्छ के रण, पश्चिम में मोरबी और पूर्व में अहमदाबाद जिले के अंदर के 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है। 20वीं शताब्दी तक घुड़खुर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंध, ईरान और बलूचिस्तान के प्रांतों में पाए जाते थे, लेकिन आज इनका अस्तित्व गुजरात के मैदानों और अहमदाबाद से 105 किलोमीटर दूर सुरेंद्र नगर के बाजना जंगली गधों के अभयारण्य तक ही सीमित है। यूपी के चुनाव में अखिलेश द्वारा गधों का मामला उठाने से इन गधों की प्रसिद्धि में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जो आने वाले वक्त में टूरिस्ट को इनकी तरफ आकर्षित करेगा। अब यूपी के चुनाव का जो भी रिजल्ट आए, इन गधों के अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।